ज्ञान श्री तीर्थ राजधानी दिल्ली की ओर से, हसनापुर की ओर से, मांगी तुंगी हमारे सब जो ट्रस्ट की ओर से, अयोध्या की ओर से, सभी पदाधिकारी सदस्यों की ओर से सत सत नमन, और पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी को सत सत नमन। आज हमारे बीच में इसी परंपरा के जो आचार्य शांति सागर और वीर सागर की परंपरा है, उसी परंपरा के हमारे बीच में सप्तम पट्टाचार्य आचार्य निकांत सागर महाराज भी विराजमान है। उनका संबोधन, उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो रहा है, बराबर अभी भी प्राप्त होगा। तो सभी इन महापुरुषों के चरणों में सत्सत नमन करते हुए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ, विराम करता हूँ। चंदामती माता जी, आज आचार्य श्री शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस हम सभी प्रातः काल से ही मना रहे हैं। आचार्य श्री के आदेशों को लेकर हम अपने जीवन के अंदर भी उनके आदर्श उतारना चाहते हैं। सवेरे आपने पारस चैनल के माध्यम से भी सुना और सुंदर पालकी यात्रा आचार्य श्री के श्री चरण उनकी प्रतिमा को विराजमान करके निकाली गई, जिसमें भक्तों ने भाग लिया। और आज के पावन प्रसंग में मैं कहना चाहती हूँ, वी आर डिसाइपल्स ऑफ श्री शांति सागर जी, वी आर डिवोटीज ऑफ श्री शांति सागर जी, ही इज आवर गुरु नाम गुरुवर जी, We are disciples of Sri Shanti Sagar Ji. Shanti Sagar Munivar was like the Sanapath. He was the protector of tradition of Munivars. So he is the first Acharya Munivar Ji. He is our Guru Naam Guruvar Ji. We are disciples of Sri Shanti Sagar Ji. The name of his mother was Satyavati Ji. His father's name was Bhim Gonda Patil Ji. We go to the birthplace of Munivar Ji. He is our Guru Naam Guruvar Ji. We are disciples of Sri Shanti Sagar Ji. He has suffered many upsargas in life and did samadhi at Kunthalgiri Ji. Chandinamati paying homage to Guruvar Ji. He is our Guru Naam Guruvar Ji. We are disciples of Sri Shanti Sagar Ji. We are devotees of Sri शांति सागर जी। छोटी सी पोएम के माध्यम से आचार्य श्री के श्री चरणों में विनयांजलि समर्पित करते हुए ये भावना भाई है कि हे गुरुदेव, आपने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे उपसर्गों को सहन किया, सर्प का उपसर्ग सहन किया, चींटियों का उपसर्ग सहन किया। हम 2 साल पहले मध्य प्रदेश की यात्रा में थे, हम उस स्थान पर गए द्रोणागिर के अंदर, जहां हमें बताया गया कि आचार्य महाराज जी यहाँ बैठते थे, ध्यान करते थे और रात भर उनके पास आकर के शेर बैठा रहता था। धन्य है ऐसे गुरुदेव जो इस युग में पंचम काल में भी, और जिन्हें अपनी आंखों से देखा ज्ञानमती माता जी, और हम ज्ञानमती माता जी की आंखों से आचार्य शांति सागर महाराज को देख रहे हैं। और आज राजधानी दिल्ली के अंदर उसी परंपरा का अनेकांतमयी ध्वज फहराने के लिए हमारे आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज आए हैं, जो भगवान भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमा में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के साथ में जिन्होंने अपना सानिध्य प्रदान किया। तो उन भरत चक्रवर्ती के चरणों में भी हम बैठ करके, जिन्होंने चक्रवर्ती जैसे महान पद को प्राप्त किया, ऐसे हम आचार्य शांति सागर महाराज जो चारित्र के चक्रवर्ती थे, चारित्र निर्दोष पालने के कारण उनको चारित्र चक्रवर्ती की संज्ञा प्रदान की गई। उन्हें
पदवी प्रदान की गई, ऐसे नहीं। आज तो कभी भी किसी को कोई भी पदवी दे दी जाती है, लेकिन शांति सागर महाराज वास्तव में चारित्र के चक्रवर्ती थी, चर्या के शिरोमणि थे, और उन्होंने सब कुछ अपनी चर्या को मूलाचार के आधार से बनाया। कितना उन्हें आहार की चर्या में भी कष्ट सहन करना पड़ा, चाहे चौके के माध्यम से, चाहे अन्न लेने के माध्यम से। आप चारित्र चक्रवर्ती पढ़िए, किस तरह से उन्होंने बिना बताए अपनी काया से मूलाचार की चर्या को प्रदर्शित किया। आज उनका उपकार है, कितने सारे मुनिगण हमें दिखते हैं। तो ऐसे उन आचार्य शांति सागर महाराज के श्री चरणों में बारंबार विनयांजलि समर्पित करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज से प्रार्थना कि वे अपना मंगलमय उद्बोधन आचार्य श्री के प्रति विनयांजलि समर्पित करें। मते आप बोलेंगे महाराज। ओम ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं चारिचक्रवर्ती आचार्य शांति सागराय, आचार्य वीर सागराय, आचार्य शिव सागराय, आचार्य धर्म सागराय, आचार्य अजस सागराय, आचार्य श्रेयान सागराय, आचार्य अभिनंदन सागराय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, जिनका आद्योपांत जीवन अभिनंदनीय और अभिवंदनीय था, जो आश परंपरा के दृढ़ श्रद्धालु थे, श्रवण संस्कृति के एक उन्नायक, जिन्होंने चेतन अचेतन तीर्थों का उद्धार किया, जिन्होंने प्रासुक दान प्रथम अपने आचार्य पदारोहण पर वीर सागर महाराज जी को दिया, ऐसे उनके 15 लगभग उनके मुनि राजों में से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ वीर सागर महाराज जी थे। आज शांति सागर महाराज जी का आचार्य पदारोहण जहाँ पर हुआ था, उस स्थान का नाम समडोली। आज ही ये पत्रिका वहाँ से आई हुई है। ये पत्रिका में जब शांति धाम सम्मे शिखर जी में पंचकल्याणक हुआ था, तो वहाँ आचार्य शांति सागर जी की बहुत स्मार्ट और बहुत सुंदर और आकर्षित जो प्रतिमा थी, वह वीर सागर महाराज जी के ही परिवार के जो थे हमारे पूर्व मुनि श्री आत्मी सागर जी का, जिनका नवनीत जी नाम था, उनकी ओर से मूर्ति तो दूसरे के लोग नाम से ही बनी थी और उसका ही लिखना, लेकिन मैंने सोचा कि वीर सागर के परिवार से ही है, तो समडोली में हमारे खोत परिवार हैं, कविता जी और उन सब लोगों ने आज ये यहाँ पर आज ही अभी आते हुए ये पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। आज ही वहाँ पर आचार्य शांति सागर महाराज का गुरु मंदिर बना करके वहाँ पर भट्टारक नांदनी के भट्टारक जिनसेन जी और वहाँ पर अरहत बली महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। समडोली की समाज को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे दिलों दिलों में, जिनों जिनों में और मंदिरों में हमारे शांति सागर महाराज विराजमान होते रहें। शांति सागर जी के सानिध्य में जो हमारे माता जी रहे हैं और उनके प्रथम शिष्य से जिनने जो प्रथम दीक्षा ली, ऐसे ज्ञानमती माता जी ने शांति सागर और वीर सागर जी के बारे में जो हम लोगों को बताया, सुन के बहुत ही आनंद आता है। तो हम यही चाहते हैं आप सभी लोग आचार्य शांति सागर जी के प्रति अपने उनकी भक्ति करके पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध करें। वह तो पुण्यात्मा थे, उसके बाद उनने और पुण्य का अर्जन किया। ऐसे जो समता और ममता और साधना की मूर्ति थे, जिन्होंने जिन धर्म की प्रभावना की भारत के महानगरों में।